आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर तमाम रोड़ों के बाद आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में भारत यूएनएससी की तरफ से मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने में कामयाब हो गया, जिसका मतलब है कि आतंकी मसूद अब न कहीं यात्रा कर सकेगा, न ही उसे किसी आर्थिक गतिविधि की इजाजत होगी और न ही किसी भी तरह के हथियार उस तक पहुंच सकेंगे। यानी कि इस प्रतिबंध के जरिए अजहर पर आर्थिक चोट की गई है, जिसके बाद यूएन के सदस्य देश अजहर के वित्तीय स्रोत को आसानी से खत्म कर सकेंगे, उसके आर्थिक स्रोत को भी पूरी तरह सीज कर पाएंगे। इसके अलावा यूएन सदस्य देशों के पास उसकी संपत्ति को जब्त करने का भी हक होगा, उसकी संस्थाओं के आर्थिक संसाधनों को भी ब्लॉक किया जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े देश अजहर को कभी भी किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर एक जिम्मेदारी जो यूएन देशों के सिर पर होगी वो होगा अपने हथियारों, उसके निर्माण की तकनीक, स्पेयर पार्ट्स की बिक्री को मसूद तक पहुंचने से रोकना। और ये कोई पहली बार नहीं है जब मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाया गया हो। साल 2002 में मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तब मसूद अजहर ने अपने संगठन का नाम बदलकर खुद्दम उल इस्लाम रख दिया था, और जब 2003 में खुद्दम उल इस्लाम को भी पाक की तरफ से बैन किए जाने का दावा किया गया, इसके बाद मसूद अजहर ने अपने संगठन को अल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया। इससे पहले साल 2001 के दिसंबर महीने में अमेरिका ने जैश को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 2001 में ही यूएनएससी ने जैश को 1267 प्रतिबंधित आतंकी समूह की सूची में शामिल कर दिया था। इसके बाद जब जब मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने की कोशिश की गई, तब तब चीन ने रोड़ा बनकर यूएनएससी का रास्ता रोका। भारत ने साल 2016 में अजहर समेत अन्य आतंकियों को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन ने भारत के इस प्रस्ताव पर वीटो का ऐलान कर दिया था। लेकिन आखिरकार भारत और मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर पाने में सफलता हासिल हुई, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खूंखार आतंकी को बैन कर दिया गया है। इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव के दौर में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने पर मोदी सरकार को इसका फायदा मिलता है या नहीं।